बिस्मिल्लाम दिस इज फौजी फाउंडेशन स्कूल वे आई होप ऑल ऑफ यू योर होम्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर वन आवर फूड सेकेंड क्वार्टर का हमारा चैप्टर नंबर वन जो है वो आर फूड है ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क यू समस्ट वी नीड टू बी अ लाइफ हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है ठीक है वट डू यू ईट वेन यू फील हीन अब आपको पता होगा कि जब हम हमें जिंदा रहने के लिए रोशनी पानी और खुराक की जरूरत होती है ठीक है इसके बाद जब हमें बुक महसूस होती है तो हम क्या करते हैं हम कुछ को, कोई ना कोई चीज खाते हैं कुछ ना कुछ खुराक लेते हैं ठीक है सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई विल शेयर द ऑब्जेक्टिव इस लेसन को सुनने के बाद आप लोग क्या सीखेंगे यू विल नो द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड यू विल बी एबल टू डिफाइन दैट फ्रॉम वेयर वी कैन गेट फूड एंड विच टाइप ऑफ फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और हम प्लाट्स uh, और एनिमल्स से uh, जो खुराक है किस किस्म की uh, खुराक जो है वो पौधों से हासिल करते हैं और कौन सी खुराक जो है वो जानवरों से हासिल करते हैं ठीक है So, our our जिंदा रहने के लिए हर रोज खुराक चाहिए होती है ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर की एक्सप्लेने मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स द फर्स्ट वर्ड इज फूड इट्स मीनिंग खुराक हेल्प मदद ग्राइंड पीसना फ्लोर आटा डिफरेंट टाइप्स ग्रोइंग उगना या बढ़ना ओके सो लेट स्टार्ट आर एक्सप्लेनेशन आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ फूड जो है वो क्या करती है फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क ये हमें एनर्जी देती है ताकत देती है ठीक है सो फूड जो है वो हमें हेल्प करती है वर्क करने में कोई भी काम करने में ग्रो करने में बड़ा होने में टू बी हेल्दी सेहतमंद रहने में एंड टू प्ले फूड हेल्प्स अस टू प्ले आल्सो मतलब हम जो काम करते हैं स्कूल का या घर का हम जो काम करते हैं और हम जो बड़े होते हैं तो वो किसकी मदद से होते हैं जो हम फूड लेते हैं जो हम खाना खाते हैं उसकी मदद से ठीक है सो so, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये फूड जो है हमें मिलती कहाँ से है ये फूड आती कहाँ से है ठीक है एनिमल एंड प्लांट्स हमें फूड मिलती है एनिमल से और प्लांट से ठीक है सो so, अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट से हमें किस किस्म की जो है फूड मिलती है ठीक है और हमें आ, एनिमल से कौन सी काइंड की फूड मिलती है ठीक है सो so, uh, सबसे पहले मैं डिफाइन करूँगी प्लांट्स गिवर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मतलब के जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं वो हमें मिलते हैं प्लांट्स से सो so, uh, जो कि हम रोज खाते भी हैं इसके अलावा हमें प्लांट सीड्स फार्म करते हैं जो बीज होते हैं बहुत से प्लांट्स के बीज जो है वो हम उसको एज अ फूड यूज कर रहे होते हैं जस्ट लाइक वीट होती है जैसे वीट सीड्स है गंदम के दाने उनको हम ग्राइंड करके उनके उसके साथ फिर उसको पीस के उसका आटा बनाया जाता है फ्लोर बनता है उससे फिर उसको उसकी नान चपाती ब्रेड और केक वगैरह बनाए जाते हैं ठीक है थीके? इसी तरह से वी गेट वेरी फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सीड्स बहुत सारे फ्रूट्स जो हमारे फेवरेट फेवरे भी होते हैं एप्पल बनाना स्ट्रॉबेरी ये सब जो है हमें प्लांट्स फ्राहम करते हैं ठीक so, है सो इसके अलावा जो दालें होती हैं जिनको हम सीड्स जो उसके सीड्स होते हैं एक पौधे के वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं सो so, Uh, क्या हुआ कि हम वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स टू बी अलाइव हेल्दी एंड एनर्जेटिक और फिर यही फूड जो है हमें बढ़ने में ग्रो करने में हेल्दी रहने में जिंदा रहने में और ताकतवर बनने में मदद देती है सो डियर स्टूडेंट्स फूड फ्रॉम एनिमल्स अब वो कौन सी फूड है जो हमें एनिमल से मिलती है जैसा कि आपको पता होगा मीट जो है वो हमें एनिमल से मिलता है मिल्क जो है वो हमें एनिमल से मिलता है इसके अलावा चिकन जो है उससे हमें चिकन हासिल होता है फिश खाते हैं हम लोग और इसके अलावा गोट मिल्क से अ, मीट और हम चीज वगैरह उससे हासिल करते हैं ठीक है इसी तरह से जो चिकन है वो हमें एग्स और चिकन फ्राहम करती है जिसको हम मुख्त डिशेज में जैसे डॉम्स और रोस्ट चिकन में इस्तेमाल करते हैं सो so, स्टूडेंट्स इसी तरह से के बारे में मैंने आपको बता दिया इसी तरह से नेक्स्ट मेन पॉइंट ये कि आप लोगों को कभी भी जो है रोटन फूड नहीं खाना चाहिए मतलब जो खराब हुआ हुआ खाना उसमें फिर जब एक खाना बहुत ज्यादा देर तक पड़ा रहता है तो उसमें फिर जर्म्स भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं So, क्या है कि हमें हमेशा जो है फ्रेश फूड लेना चाहिए और हमेशा हमें फ्रेश चीजें खानी चाहिए सो देर इज ओनली वन वे टू ही रास्ता होता है इनको फ्रेश रखने का कि हम इन्हें रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लें तो उसमें कई दिन तक ये सेव रह सकती हैं। ठीक है सो आई होप आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा सो लेट्स कंप्लीट आर असेसमेंट जो कि है नेम दीज तो आपने ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दी हुई है वो किस चीज के बारे में है नेक्स्ट हम यहाँ पर उसका नेम मेंशन करेंगे ठीक है सो द फर्स्ट वन इज चपाती आर मेड आउट ऑफ दिस सीड uh, कौन से uh, बीज की जो है चपाती बनाई जाती है जो कि है वीट जैसे कि मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर भी बताया है आइसक्रीम एंड योगर्ट आर मेड फ्रॉम इट, इट. आइसक्रीम और योगर्ट मिल्क से बनाए जाते हैं ठीक है इट इज मेड आउट ऑफ मिल्क वी स्प्रेड इट ऑन ब्रेड स्लाइसेस अब बटर जो है उसे हम ब्रेड स्लाइसेस पे लगाते हैं इसके अलावा हम यहाँ पर चीज भी कर सकते हैं अ मशीन इन आवर होम फॉर स्टोरिंग फूड रेफ्रिजरेटर ऑल चिल्ड्रन मस्ट ड्रिंक दिस व्हाइट फूड हमें जो है मिल्क जो है हमेशा लेना चाहिए ये बच्चों की हेल्थ के लिए और ग्रो के लिए बहुत अच्छा होता है सो यू शुड टेक दिस ड्रिंक एवरी डे ठीक है सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से लेक्चर समझ आ गया होगा जिसमें कि हमने सीखा वी नीड फूड टू लिव एंड प्लांट्स गिव अस विच फूड ऑफ टाइप ऑफ फूड प्लांट्स गिव अस प्लांट्स गिव अस फ्रूट वेजिटेबल्स एंड सीड्स एंड एनिमल्स गिव अस मिल्क एग्स एंड मीट एंड लास्ट में क्या था कि शुड नॉट ईट स्पिल्ड फूड हमें खराब खाना नहीं खाना चाहिए ठीक है सो so, यही था आज का हमारा साइंस का लेक्चर आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी इसको गौर से सुनिएगा समझिएगा और ठीक uh, है सो थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज